खड़ेखमा वकील साहब। हमागड़ी साहब बैठिए। वकील साहब, मैं आपको अपनी समझियों की जमीन के बारे में तो बता ही चुका हूं। एक किसान के लिए उसकी जमीन का क्या मोल होता है यह आप अच्छी तरह से समझते हैं। बस कैसे भी कुछ भी करके उनकी जमीन उन्हें वापस दिला दीजिए। वकील साहब, वसंत साहब, कायदे के अनुसार वो जमीन अब महावीर सिंह की हो चुकी है। सारी लिखा पढ़ी कानूनी तौर पर की गई है। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कुछ किया जा सकता है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? हमारे वकील तो इधर हैं। अरे मैंने वकील बदल दिया, इधर आ तू। धर सारी फाइलें यहाँ। वकील साहब, बहुत बड़ा काम लेके आया हूँ आपके पास। हाँ, पहले ये मारा काम करवाओ। जमीन के एक आज टुकड़े का तिया पाचा करवाने वाले तो बीसियों आते होंगे आपके पास। मुझे जैसर की 25 जमीनों की रजिस्ट्री करवानी है। हाँ, और पैसे की फिक्र मत करना भाई, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी रकम। अरे सोच क्या रहे हो वकील साहब, महावीर सिंह है हमारा नाम। मैं खाली बड़े बड़े बोल नहीं बोलता, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बस कर महावीर सिंह, बस कर। तेरी बातों का जहर पहुंच रहा है मुझ तक। तू इस धोखे में मत रहना कि हमें सिर्फ धमकी देना आता है। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया। लेकिन अगर तूने दोबारा हमें उकसाने की कोशिश भी की तो यकीन मान, अगली बार मेरी बंदूक नीचे नहीं होगी। भाई जो करना है कर लेना, और हम तो वो कर ही रहे हैं जो करना था, और आगे भी करते रहेंगे। पहले के बिगाड़ लिया था, जो अब बिगाड़ लोगे। थारी और थारी माँ की जुबान में सिर्फ जोर है, ऐसे खाली बर्तन मैं नहीं गिनता। अपनी कमी से अगर तूने रोसा का नाम भी लिया क्या कर रहे हो? तो मैं तुझे चांस से मार दूंगा। 30 दफा 32 दफा धमकी दे चुका है, कभी कुछ करके तो दिखा बे। आप जैसे लोगों से इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो भी यहाँ कचहरी में। आप लोग कानून का मजाक मत बनाइए। आपके इज्जत की वजह से आपको छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं महावीर सिंह। आज तूने खुद अपनी बर्बादी को आवाज दी है, और मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। अरे जो भी, जब भी, और जितनी भी हिम्मत होना करने की, बुला लेना, आ जाऊंगा। वकील साहब, ये मारे पेपर तैयार करवाओ रजिस्ट्री के, हैं? मैं जरा आता हूँ। चल भाई। तेल गरम करके लाइए, लाइए, आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। कोई जरूरत ना है। दादी सा, बहुत आराम लगेगा, एक बार मारे हाथ से करवा के देखिए ना। ला मणे दे, मैं कर लूंगी, जा तू। दादी सा, अपने हाथ से जोर ना लगेगा, मैं करके देती हूँ। अरे कह दिया ना, ना देख लिया किसी ने तो ताना सुनना पड़ेगा मने कि ढोकरी अपनी भड़ास छोरी पे उतारे है।
ऐसा क्यों कहेगा कोई? दादी साहब, मुझे तो आपके पैर दबाना, मालिश करना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को तो बड़ों की सेवा करनी चाहिए ना। नक्शा बन गया। नहीं, अभी नहीं, रात को बना दूंगी। रात को क्यों? अभी तक क्यों ना बनाए? पता नहीं क्या हो गया तुझे आनंदी, रोज रोज पढ़ाई नहीं करेगी तो परीक्षा किसे देगी? मैं काम पूरा कर लूंगी। ठीक है, जो करना है कर, लेकिन बाद में रोना मत, मेरी पढ़ाई नहीं हुई। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत ना है ना? आपने जो कहा मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैंने थारे से कुछ ना कहा छोरी, तूने ही बचने दिया है। किसी का उपकार ना है मारे माथे पे। हाँ, तने जाचे तो पढ़ाई कर, ना जाचे तो मत ही कर। पंडित जी आए। अरे हाँ, आओ आओ पंडित जी, आओ बिराजो। हाँ कहिए माजी सर, आज कैसे याद किया मुझे? एक मुहूर्त निकलवाना है। दादी सा, मुहूर्त किस लिए? मुंह तो बंदी ना रख सके अपना। अरे मुहूर्त निकलवाने से पहले ही पूछ पाछ के नजर लगा देवेगी क्या? हैं? जा अपना काम कर। जा। पंडित जी, मने अपने बसंत की बींदनी की गोद भराई का मुहूर्त निकलवाना है। जरा कोई अच्छा सा जनी देखो। अभी देखता हूँ। बापू साहब। क्या बात है जगह, कुछ कहना है तुझे? बैठ, पता क्या बात है? बापू साहब, पता नहीं क्या हो गया आनंदी को, दो दिन से बिल्कुल अपनी पढ़ाई नहीं कर रही है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपना भी काम नहीं करवाया उससे, और कुछ पूछो तो बोलती नहीं है। चल मैं उससे बात करता हूँ। ये तो क्या कर रही है आनंदी बेटा, तू तो रात भर पढ़ाई करने वाली थी ना? हाँ बापू साहब, पर मैंने सोचा कि पहले ये काम खत्म कर लूं फिर पढ़ाई करती। नहीं बेटा, ये सारे काम तू पढ़ाई पूरी होने के बाद करना। चलो अपनी किताबें निकालो, आज मैं तुम दोनों को पढ़ाऊंगा। क्या बात है बेटा, अपनी किताबें लेकर आओ और यहां बैठो मेरे पास। किताबें कहाँ हैं? तू जाके अपनी किताबें लेकर आना। तेरी से भी तो पढ़ सकते ना।
बेटा तुम दोनों पढ़ाई शुरू करो, मैं अभी आता हूं। देख आनंदी, अगर तुझे मेरे साथ पढ़ने में परेशानी है तो तू अकेले पढ़, मैं तुझे तंग करने नहीं आऊंगा, लेकिन पढ़। पता नहीं क्या हो गया तुझे। क्या बात है भाई साहब? घरों तू चल मेरे साथ, अभी चल, मुझे आज के आज उस महावीर सिंह का फैसला करना है, चल मेरे साथ। भाई साहब बताइए तो सही, बात क्या है? हमारी भलाई को हमारी कमजोरी समझ रहा है वो, सर पे चढ़ता चला जा रहा है। आज सरेआम सारी कचहरी में ललकार रहा था मुझे, मेरी हिम्मत देखना चाहता है वो। ठीक है तो मैं भी उसे आज दिखा दूंगा कि मुझे सिर्फ बंदूक उठाना नहीं चलाना भी आता है। हमें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक आदमी भेजा है उसके काले कारनामों का पता करने के लिए, कानून उसे खुद सजा देगा। हमारी मां की बेइज्जती की है उसने, और इसके लिए मैं उसे सजा जरूर दूंगा अपने तरीके से। अपने आदमियों को बुला लिया है मैंने, और आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। इसके लिए अगर मुझे फांसी में भी चढ़ जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। पर थारी मां को है, अपने लिए ना सही, अपनी मां के लिए तो परवाह कर लेना अपनी जान की। उस दिन एक बार तूने जाने की बात की, सुन के मारा दिल बैठ गया। अब फिर से दूर जाने की बात करे, जे भूल ही गया कि कितनी मुश्किलों से पाला है तुम दोनों को मैंने। क्या कहना सा, कितनों से जूझ गई तुम दोनों के लिए, कितनी बार अपमान का घूंट पी के चुप रह गई कि तुम दोनों ठीक रहो, और आज मने जे फल देवे कि अपनी जान जोखिम में डालने की बात करे तू। ना बसंत, ऐसी बात ना कर। हसन, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं भी क्या करूं, आपका अपमान बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उस कबीले के मुंह से जब मैंने आपका नाम सुना तो मेरा खून खौल गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। ऐसा रोइए मत। अरे रो लेने दे मने, सब लोग अपनी बात कह ले, मने भी अपनी पीर कह लेने दे। मासा आप हमें डांट लीजिए, गुस्सा कीजिए, लेकिन हमसे मुंह मत फेरिए मासा, दुखी मत होइए, ये घर आपके बिना घर नहीं है मासा। इस मकान को घर बनाने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हुकुम, मोहन आया आपसे मिलने। आओ मोहन, कुछ पता चला? जी वो मैंने महावीर सिंह के बारे में पता लगाया, कोई बहुत ही बड़ी बात पता चली मारे को। क्या बात है मोहन, बोलो। मोहन घबराओ मत, बोलो। वो हमारे गांव में महावीर सिंह ने जो जमीन खरीदी है वो उसमें अफीम की खेती करने वाला है।
अनुचित हथकंडे अपनाकर गरीब और लाचार किसानों की जमीन हड़प लेना और फिर उसका इस्तेमाल अवैध तरीके से धन उपार्जन के लिए करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि सामाजिक एवं नैतिक अपराध है।